जिला कलेक्टर ऋषभ गुप्ता द्वारा शनिवार के दिन बागली तहसील मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागली पर पहुंचकर वहां की व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर द्वारा शासकीय अस्पताल में लेबर रूम एवं डिलीवरी रूम पॉइंट का निरीक्षण किया गया। साथ ही टेली मेडिकल, मेडिसिन सेवा, अन्य स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली गई। कलेक्टर गुप्ता नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 8 में सामुदायिक भवन में चल रहे लाडली बहना योजना शिविर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने महिलाओं से योजना के बारे में चर्चा की। साथ ही उनसे पूछा कि आपसे किसी ने इस योजना के फॉर्म भरने के नाम पर पैसे तो नहीं लिए। साथ ही उन्हें KYC व अन्य जानकारी महिलाओं को कलेक्टर ने स्वयं दी। इस दौरान जनपद CEO हिमांशु सिंह एवं नायब तहसीलदार अनिता बरेठा, नगर परिषद CMO महेश कुमार शर्मा उपस्थित रहे। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। और बैंक में भी एक भी रुपया नहीं लगेगा, बैंक में भी फ्री में काम होगा। अगर बैंक वाला भी रुपया मांग रहा है तो एक बार आके बताओ, खाता है आपका? आज एक रेगुलर निरीक्षण के लिए आज हम आए हैं यहाँ पर बागली में, हाट पिपलिया भी गए थे। तीन उद्देश्य हैं इस विज़िट के। पहला, जो हमारा लाडली बहना जो शासन की अभी आज की तारीख में सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, उसका क्रियान्वयन कितने अच्छे से फील्ड पे हो रहा है वो देखना, और जो भी नए इंस्ट्रक्शंस आए हैं उसके बारे में हम फील्ड स्टाफ को अवगत करवाना। दूसरा, जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पर जो हमारे लेबर रूम्स हैं, डिलीवरी पॉइंट्स हैं, वहाँ अच्छे से काम हो रहा हो, डिलीवरी पॉइंट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम सुदृढ़ हो रखा हो और वहाँ लेबर में किसी भी प्रकार से किसी को समस्या ना आ रही हो, ये सुनिश्चित करना। और तीसरा, जो हमारी टेलीमेडिसिन सेवा है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने निकटतम उप स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर ही MBBS डॉक्टर से वीडियो कॉल पे बात कर सकता है, उससे चिकित्सीय सलाह ले सकता है, इसके बारे में फीडबैक लेना कि जनता को कितना पता है। और हमारी आशा, हमारी आंगनवाड़ी, हमारी आशा सहयोगिनी, हमारी ANM कितना जा जा के जनता को ये बात बता रही है कि ये सुविधा उपलब्ध है, इसका जायज़ा लेने के लिए ही आज निरीक्षण किया गया। लाडली बहना योजना को लेकर क्या चल रहा है? लाडली बहना योजना को लेकर जैसा कि आप स्वयं यहाँ देख रहे हैं, बहुत उत्साह है। अधिक से अधिक मात्रा में महिलाएं आ रही हैं। सबसे पहले उन्होंने अपना EKYC करवाया, अब वो अपना फॉर्म भरवा रही हैं। इसके अलावा बहुत सी महिलाएं हमको बैंक में मिलेंगी जिनको उनको DBT इनेबल करना है, तो वहां पर भी उत्साह बहुत देखने लायक है। सबको ये बात बताई गई है कि भले ही वो EKYC की प्रक्रिया हो, भले ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया हो, भले ही नया खाता खोलने की प्रक्रिया हो, या फिर खाते को DBT इनेबल करवाने की प्रक्रिया हो, सभी निशुल्क है, कहीं पर भी एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।